आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अ सिक्स मंथ रोड प्लान अगर आप पेपर वन में थर्टी प्लस स्कोर करते हो तो सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चंस आई यू शुड बी डूइंग इन हिस्ट्री आप ना तो सिर्फ हिस्ट्री पे ध्यान दे सकते हो ना तो सिर्फ पेपर वन पे फॉर एन आइडल सिक्स मंथ स्ट्रेटेजी यू हैव टू मेक श्योर की आप पेपर वन के साथ साथ

आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथ रोड प्लान फॉर ऑल दो पीपल जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यू हैव सिक्स मंथ्स इन हैंड व्हाट इज दैट आइडल स्ट्रेटजी जो आपको यूज करनी है फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन सो यू है आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं

So paper आपको यहां से टारगेट करने हैं थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन अगर आपको एक काफी सेफ स्कोर एंड सेफ मार्जिन चाहिए नाउ वी आर कंसर्न अबाउट हिस्ट्री एंड पेपर टू हमारा है हिस्ट्री So we all know, history में आते हैं हंड्रेड क्वेश्चन एंड हमारा टारगेट है कीपिंग ऑल देंड इन पैटर्न इन माइंड आर टारूटली एज अप्रॉक्स सेवेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ये हमें स्पेसिफिकली एम करना है अब जैसे आप जून वाला अटैम्प्टो द मोदी इज इजी द मोद नंबर ऑफ क्वेश्चन बट आइडियली एक safe score के लिए, अगर आप पेपर वन में थर्टी फाइव प्लस स्कोर करते हो

जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं देर आर टू फाउंडेशन ऑफ अ प्रिपरेशन वन इज स्पेशली सिलेबस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग क्यों क्योंकि आप एक स्पेशम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यू शुड नो कि पेपर में क्या आता है कैसे आता है और जब आप सिलेबस पढ़े सो मेक श्योर यू फाइनल द सिलेबस मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच कम एवरी ईयर है ना कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मे बी यू नो यूरो से तीन साल में आए हैं विच आर आर वेरी रेयर बहुत ही कम आए हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो सिलेबस में है बट दे आर लाइक नेवर आग इन देपर है ना कौन से टॉपिक्स है जो कि ट्रेंडिंग है तो सबसे पहले ना आपको एक एनालिसिस करना है सिलेबस को देख के कि जब हम एंशंट इंडिया की बात करते हैं तो विच आर द टॉपिक्स विच आर ट्रेंडिंग जैसे बोर्या अगर रिसेंटली आप देखोगे तो मॉरियन पीरियड पिछले तीन साल से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और फिर आप ये देखोगे कौन सा सेक्शन ऑफ मॉरिया पेपर में आ रहा है क्या सेम सेक्शन आ रहा है या देर इज अ डिफरेंस इन दीज सेक्शन तो यू विल सी जब हम मौर्या की बात करते हैं तो पेपर में सोसाइटी भी, भी आया है पेपर में एडमिनिस्ट्रेशन भी आया है पेपर में आर्किटेक्चर भी आया है पेपर में अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन आया है सो देर आर लॉट ऑफ सेक्शन जहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए तो सबसे पहले इज नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि जब एंशियन मीडिया मॉडर्न पढ़ते हैं विच टॉपिक विच सब टॉपिक क्या ट्रेंडिंग है वॉट आर दी ट्रेंड्स एंड पैटर्न क्या इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी आता है और क्वेश्चन आर वेरी हार्ड या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आता है, है ना तो पहले आपको एक सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ब्लाइंड पढ़ रहे हैं

ठीक है वॉट आर द टाइम्स जब आप क्लासेस लेते हो वॉट आर द टाइम्स जब आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कब काम करने जाते हो कब आप फ्री हो यू हैव टू डेजिग्नेट सर्टन आवर्स टाइम पे मेरे क्लासेस चल रहे हैं इस इस टाइम टाइम पे पे आई एम फ्री मैं पेपर वन पढ़ सकती हूँ इस टाइम पे मैं हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ तो आइडियली आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ये देख के कि आपके पास कितना टाइम है आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो कई बार ये रियलिस्टिक टाइम टेबल हम नहीं बनाते आप चार बजे से टाइम टेबल बनाते हो बट आप उठते हो सुबह के बारह

अब व्हाट आर द फाउंडेशन द बेस एंड सोर्सेस ऑफ अ प्रिपरेशन सबसे पहले बुक्स हो गए आपके क्लास नोट्स हो गए ठीक है जो भी आपका स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया ठीक है सो फर्स्ट यू हैव टू डू ऑल दी इंपॉर्टेंट बुक्स चाहे वो पेपर वन का हो ठीक है वो हिस्ट्री का हो तो जो भी आपने अपने लिए बुक्स रेक्टिफाई किया है अगर आपके पास कोई स्टडी नोट्स है अगर आप क्लासेस के पीडीएफ में हो ठीक है कोई भी तो सबसे पहले यू नीड टू शॉर्ट लिस्ट द बेस कि पढ़ोगे किससे एंड दिस शुड बी फेक्ट सोर्सेज परफेक्ट इन द सेंस आपको पीपल का लेवल पता है हिस्ट्री इज नेवर इजी इट्स ऑलवेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इस लेवल ऑफ क्वेश्चन को क्लियर करवा रहे ठीक है ठीके? क्योंकि आप अपना सिक्स मंथ्स उसके लिए डेडिकेट कर रहे हो तो यू शुड नॉट स्टडी फ्रॉम सोर्सेज जिससे क्वेश्चंस की गारंटी नहीं है तो चूज वेरी गुड सोर्सेज अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स आप यूट्यूब करो यूट्यूब का एक कॉपी बना लो जहां जाके आप यूट्यूब के क्वेश्चन आंसर्स को नोट करते हो इससे क्या होगा लास्ट मोमेंट रिविजन करने में बहुत ईजी रहेगा कोई भी चीजें मिस नहीं होगी करने का भी तरीका है सबसे पहले प्रीवियस इयर्स को क्या करना है कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले प्रीवियस इयर्स को ब्राउज कर लो टू अंडरस्टैंड ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ दैट टॉपिक है ना कि इस टॉपिक से प्रीवियस इयर्स में क्या क्या है पहले आप ये देखो देन यू स्टडी द टॉपिक जब आप वो टॉपिक पढ़ लेते हो फिर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो थर्ड इज ऑलवेज टेक प्रीवियस ईयर लाइक अ स्टडी मटीरियल जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कोई ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मान लो आपने एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर लिया बट इन फ्यूचर यू कैन बी स्मार्ट आपको पांच स्टेटमेंट्स को लर्न कर लो कोई ऐसी स्टेटमेंट कोई ऐसा फ्रेज कोई ऐसा कोट जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं पता था तो राधर देन ब्लाइंडली लर्निंग आंसर्स प्रीवियस ईयर को स्टडी मटीरियल्स की तरह लीजिए सोचो अगर टेन ईयर्स प्रीवियस ईयर करें कितना सारा स्टडी मटीरियल आपकी ऑलरेडी बनी बनाई मटीरियल्स पे एड हो सकती है ना सो मेक श्योर प्रीवियस ईयर वेरी प्रॉपरली हमने चीजों को सॉल्व कर लिया बट हमने क्वेश्चन को समझा उसको लर्न किया ना सिर्फ हमने ब्लाइंडली रट्टा मारा क्योंकि फिर प्रीवियस का कोई फायदा नहीं है इन प्रीवियस से आपको पेपर का लेवल पता चलेगा ट्रेंड पता चलेगा कौन से सब टॉपिक्स रेलिवेंट है कौन से टॉपिक रेलिवेंट है यू विल अंडरस्टैंड की आपकी प्रिपरेशन कहा जा रही है, है ना एंड देन टेस्ट सीरीज जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े बी वेरी क्लियर उसमें दो तरीके से हम उसको टेस्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जैसे अगर मैंने प्री हिस्ट्री पढ़ा तो सबसे पहले आप उस टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो क्योंकि वी नीड टू सी कि वो टॉपिक आपका कितने अच्छे से हुआ है क्योंकि मॉक में हो सकता है वो टॉपिक के क्वेश्चन ही ना हो ठीक है तो क्योंकि आपके पास सिक्स की स्ट्रेटजी है आपके चार पांच टॉपिक को मिला के आ गए इससे क्या होगा अब आपको ये देखना पड़ेगा कि चलो अकेले तो मेरे को वो टॉपिक अच्छे से याद है बट अगर मैं तीन चार टॉपिक्स को साथ पढ़ के क्वेश्चंस करती हूँ। डू यू रिमेंबर इट क्या भूल रहे हो दैट इज आल्सो वी नीड टू नो तो प्रैक्टिस के लिए हमें टेस्ट सीरीज या बेसिकली जो हमारे मॉक टेस्ट हो गए टेस्ट सीरीज हो गए काफी रिलेवेंट है बट याद रखना टॉपिक वाइज भी करना है और फुल फ्लेज्ड हमें मॉक टेस्ट भी करना है ऑब्वियसली पहले दिन से आप मॉक टेस्ट नहीं कर सकते हो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस को शुरू करना है ठीक है तो प्रीवियस इयर्स इंड टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई योर फाउंडेशनल नॉलेज देखो आप सब कुछ पढ़ सकते हो बट अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो राइट फ्रॉम स्टार्ट यू हैव टू हैव अ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जहां पे हम अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करें जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं यू नीड टू टेस्ट थ्रू क्वेश्चन इसीलिए क्वेश्चन से भागो मत उसे डिमोटिवेट मत हो इट इज समथिंग जो आपकी एग्जाम्स क्लियर कराएगी आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा आपको आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता पता ये सब कुछ तभी पता लगेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिस इज एन आइडियल स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है अब चलो अब मैं आपको सिक्स मंथ्स का प्लान बनाती हूँ सी दिस इज द रिसेंट एग्जामिनेशन जो अभी स्पेशली हमारा हुआ था जून 2024 का अब आपको पता है इन हिस्ट्री वी हैव एंशियंट वी हैव अर्ली मिडीवल मिडीवल मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एंड हिस्टोरिग्राफी आइडियली हमारे हिस्ट्री के पेपर में ये सारे सबसेक्शन होते हैं जनरली इफ यू सी थर्टी क्वेश्चन प्लस माइनस फाइव आता है जैसे किसी साल एंशियट से ज्यादा आ गया किसी साल मिडीवल से ज्यादा आ गया

आपको टारगेट रखना है थर्टी क्वेश्चन प्लस माइनस फाइव का उस हिसाब से यू हैव टू हैव एन कि कितने क्वेश्चन आते हैं अब क्या क्वेश्चन आते हैं इज द पैटर्न ऑफ द द पेपर इज पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है तो यहां पे भी, भी आप देखो दिस इज द रीसेंट जून 2024 पेपर और अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन 40 मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी एंड कॉम्प्रिहेंशन आइडियली अगर हम पेपर का ट्रेंड देखें तो पेपर में यही आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी कॉम्प्रिहेंशन एंड पेपर में इस बार असर्शन एंड रीजनिंग नहीं आया था बट पेपर में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो जब आप पढ़ो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि देखो आइडियली पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन सेटअप होते हैं तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो यू हैव टू टू बी स्मार्ट इनफ मेरा रीजनिंग निकल जाएगा उससे मेरा मैच द तो फॉलोइंग निकल जाएगा है ना उससे मेरे डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल जाएंगे उससे मेरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस निकल जाएगा तो ये सारे पेपर के ट्रेंड्स हैं क्वेश्चंस के जो आपको दिमाग में रख जैसे इस बार बहुत क्रोनो आया था तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग यू शुड नो कि यार ट्वेंटी क्रोनोलॉजी आता है फिफ्टीन ट्वेंटी तो आता ही आता है तो स्टार्टिंग से इनमें मेहनत करनी है ठीक है सो दिस इज द आइडल स्ट्रेटेजी अब आपको करना क्या है जब भी आपको यूनिट लो ठीक है चाहे वो हिस्ट्री का एंशियल मॉडर्न सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ये देखो कि उस टॉपिक से क्या बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया है मतलब बहुत मुश्किल आए हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ के काम हो जा रहा है सो एनालाइज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन फिर एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आइडियली आपने पेपर वन पेपर टू को टाइम डेजिग्नेट किया है अपने हिसाब से ठीक है देन वी नीड टू स्टडी फ्रॉम बेसिक बुक्स की भाई कौन से रेलिवेंट बुक्स है आप यूट्यूब सेशन अटेंड करो आप क्लास का पीडीएफ पढ़ो आप बेसिक हिस्ट्री के बुक्स पढ़ो ठीक है कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पे बेसिक मटेरियल से काम नहीं होगा वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा वो बाद में आएगा फिर रिवीजन आपको हमेशा करना है रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक क्या है कभी भी कोई टॉपिक पढ़ा उसके दो सब टॉपिक खत्म किए उसको रिवाइज किया फिर आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे गए ये पूरी टॉपिक को रिवाइज करो रिविजन करना बहुत जरूरी है बिकॉज विद द वास्टनेस हिस्ट्री हैज बहुत ईजिल आप देखोगे आप चीजों को भूल जाओगे में, 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 so में गलतियां कहा हो रही है क्योंकि गलतियां नहीं फिगर आउट करेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे की आपके मार्क्स कहां कम हो रहा है and ये जरूरी है बिफोर गोइंग टू द मेन एग्जामिनेशन यू शुड नो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है ताकि आप आप एक प्रॉपर दो ये नहीं 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 कि जो जो आ आ रहा रहा है 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 उसी को जा रहे उसको छोड़ दिया इससे तो फिर का भी नहीं निकलेगा है ना दिस इज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो अपने हिसाब से अब क्योंकि हमारे पास सिक्स बचे एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट मंथ दिस इज फॉर बिगनर्स वो लोग जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या पहली बार सीरियसली दे रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गए पेपर वन पेपर टू की लेके आओ टेन ईयर्स क्वेश्चन पेपर वन पेपर टू की अरेंज करो डिटेल्ड एनालिसिस करो ठीक है एक रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना लो यहां में आपको क्या करना है टाइम टेबल बनाना है सिलेबस समझना है ट्रेंड्स एंड पैटर्न नोट करना है ठीक है आइडियली फर्स्ट मंथ में यू हैव टू स्टार्ट विद दो एरिया जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जो ऑलरेडी नेट एग्जामिनेशन दे चुके हैं आप यहां से पेपर वन एंड पेपर टू के टॉपिक्स को शुरू करो अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले नेट दिया है और आपका पेपर नहीं निकला है तो आप ना एनालाइज कर लो कि कहा आपने गलतियां की थी तो फर्स्ट टेन टू ट्वेल्व डेज प्लीज स्पेंड विथ योर सेल्फ ट्राई टू एनालाइज योर प्रास प्रेपरेशन ठीक है तो जो फर्स्ट मंथ है आप इसको पंद्रह दिन कर सकते हो दस दिन कर सकते हो डिपेंडिंग दिस इज फॉर फ्रेशर्स जो एकदम शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन जो पहले भी दे चुके ट्राई टू तो एनालाइज की पिछले अटेम्प्ट में कहा गलतियां हुई थी अपने सोर्सेज रेडी करो करो प्रीवियस इयर्स एनालिसिस है ना जैसे कई बार आप देखते हो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पेपर्स में होती है वो मिलती नहीं उनको इकट्ठा करो ये सारी चीजें जो है अपनी तैयारी में शुरू कर दो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लो ठीक है एक चार्ट बना लो कि हिस्ट्री में कौन से ऐसे सेक्शन है जो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं पेपर में जो फैक्चुअल सेक्शन है तो ये सब सारा चार्टिंग एंड ऑल ये हमने कर लिया फर्स्ट मंथ कैन ऑल्सो

जनरली जब हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं ठीक है फॉर आइडियली आपको यहां से हिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है तो हम लोग यहाँ से एंशियंट की शुरुआत करेंगे सो फॉर फर्स्ट मंथ आप ये कर सकते हो कि पूरे एक महीने आप एंशियंट को डिवोट करो

बनाना शुरू कर सकते हो ठीक ठीक है 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 जैसे जैसे गुप्ता गुप्ता की क्या की क्या होती inscriptions का क्या होता सोर्सेज इज इंडिया में चलता है ना ये रात रात आप खत्म नहीं कर सकते हो तो सोर्सेज के आप नोट्स बनाना शुरू कर दो जैसे कॉइन्स हो गया ठीक है आर्कोलॉजिकल मेथड्स के आपने नोट्स बना लिए तो ये सब आप शुरू कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सोर्सेस सोर्सेसमलटेनियसली चलते रहेगा एंड बाकी बेसिक चैप्टर्स को शुरू करो फिर प्री हिस्ट्री सो फॉर प्री हिस्ट्री अगेन रिमेंबर प्री हिस्ट्री में हमें चाहिए पेलियोलिथिक मिजोलिथिक, न्योलिथिक और चालकोलिथिक को भी डाल देते हैं ठीक है यहां से आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आया है यहां से आपको असर्शन एंड रीजनिंग भी आया है यहां से आपको वन लाइनर भी आया है ठीक है तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां से स्पेसिफिकली मिले ठीक है यहां से आपको ह्यूमन एवोल्यूशन में भी क्वेश्चन आए तो जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ो एक टॉपिक हमेशा यहां से निकलता है ट्राई टू मेक श्योर पहले आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया ठीक है फिर आपने इनकी टूल टेक्नोलॉजी पढ़ ली फिर आपने इनके बेसिक साइट्स को कवर कर लिया है ना फिर आपने ह्यूमन एवोल्यूशन के बेसिक टर्म्स एंड अगेन ह्यूमन एवोल्यूशन में जो भी हमें एविडेंसेस मिला है उसको आपने कवर किया ठीक है एंड क्योंकि प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स काफी कॉमन है तो इसमें आपने प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स को अलग से कवर कर लिया ठीक है एंड रिमेंबर जब कवर कर रहे हो तो कीप दिस क्वेश्चन ट्रेंड इन माइंड फिर आ जाओ इंदस वैली सिविलाइजेशन अब इंदिस वैली सिविलाइजेशन अगेन वेरी इजी। एक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिली जाता है तो जब आप ये टॉपिक शुरू करो बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है पहले इसका ओरिजिन आपको पढ़नी है सिविलाइजेशन कैसे आप सारे थ्योरीज को ध्यान रखना है डिक्लाइन की थ्योरीज ठीक है क्वालिटी का थ्योरी आपने पढ़ लिया कि क्या प्रीस्ट किंग रूल करते थे वॉज देर स्टेट क्या बेसिकली देर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अदर पीपल टू रूल था क्या ठीक है ये सब हमने किया उसके बाद आ जाओ इनका क्राफ्ट इनका ट्रेड मतलब इकोनमी वाला सेक्शन हो गया ठीक है फिर आ जाओ इंदस वैली का रिलीजन वाला सेक्शन ठीक है किसको पूछते थे नेचुरल फोर्सेस को पशुपति सील दैट एंटायर थिंग एंड देन कम टू इनका बेसिक सोसाइटी ठीक है एंड लेटली जो क्वेश्चन यहां से आ रहा है इट इज स्पेसिफिकली साइट्स साइट्स अगेन व्हाट इज ईयर जब ये साइट्स एक्सकवेट हुए ठीक है किसने इन साइट्स को एक्सकवेट किया ठीक है क्या हमें मिला व्हाट आर दी एविडेंसेस ये सारी चीजें आपको यहां से कवर करनी है यहां से भी असर्शन रीजनिंग आ चुका है वन वेरी कॉमन क्वेश्चन इज वन लाइनर साइट बेस्ड क्वेश्चन ठीक है दे ना मूविंग फॉरवर्ड सिक्स सेंचुरी बीसी तो जब हम सिक्स सेंचुरी बीसी की बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद महाजनपद के तीन सेक्शन आपको ध्यान रखने सबसे पहले महाजनपद से रिलेटेड फैक्ट्स हो गया प्लस उसके साथ साथ जो भी महाजनपद की इकोनॉमी हो गई और जो भी इसकी सोसाइटी हो गई अब यहां से आपको तीन चार क्वेश्चन आते हैं एक तो आपको टर्म्स अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा प्लस इनकी बेसिक सोसाइटल एविडेंसेस हो गया बेसिक आपके थ्योरी हो गए एक क्वेश्चन आप देखोगे सोसाइटी इकोनॉमी या फैक्ट से आता है ठीक है हमें इनके बेसिक फिलोसफीज पे ध्यान देनी है इनके इंपॉर्टेंट साइट पे ध्यान देना है हमें बोधी सत्वास पे ध्यान देना है और हमें इनसे रिलेटेड आर्किटेक्चर के बारे में ध्यान देना है तो यहाँ भी सेम अप्रोच रहेगा हमें बेसिक थ्योरीज तो पता होनी चाहिए बट वी शुड ऑल्सो नो बेसिक फैक्ट्स टॉपिक से काफी ज्यादा रेलिवेंट है दो क्वेश्चन आप देखोगे यहां से हमें आ जाता है एलेक्सेंडर इनवेजन मॉरियन अब यहाँ पे हम मगध एड कर लेते हैं ठीक है मगध एलेक्सेंडर इन्वेजन ये दो ऐसे सेक्शन है जहां से आजकल क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना ईयर ऑफ एलेक्सेशन एलेक्सेंडर के लाइफ की क्रोनोलॉजी आपको आती कब आए थे कब पोरस के साथ लड़ाई हुई थी कब गए तो ये बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए मगध से वन लाइन क्वेश्चन बेसिक फैक्ट हो गए कौन किस डायनेस्टी का है किसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी बेसिक थिंग ठीक है ना कमिंग टू द मॉरियन पीरियड मॉरियन पीरियड आजकल पेपर में बड़ा ट्रेंडिंग है तो ये तो आपको हर कुछ करके जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम मॉरियन सोर्सेज मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन मॉरियन सोसाइटी ठीक है उसके बाद मॉरियन आर्किटेक्चर अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली तो आप देखोगे हर तरीके से मॉरियन पीरियड से क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोई भी सब टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो और क्वेश्चंस भी वन लाइनर से लेके थ्योरी से लेके असर्शन रीजनिंग से लेके सारे तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये सबको हमें कवर करना है भाई क्योंकि आजकल इस टॉपिक से दो से तीन क्वेश्चन तो हर साल हमें देखने को मिल रहा है ठीक है ना पोस्ट मॉरिन डायनेस्टीज में आगे बढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली वी हैव इंडो ग्रीक्स ठीक है इंडो ग्रीक्स हो गया देन वी हैव बेसिकली शाकास ठीक है देन वी हैव शाका देन वी हैव पल्लवास देन वी हैव जनरली कुशांस हो गया हमारा सतवाहनाज हो गया हमारा है ना देन वी हैव अ वेस्टर्न क्षत्रप्स हो गए ठीक है संगम पीरियड हो गया तो हमें ना फिर ये कवर करना है अब जब भी आप डायनेस्टीज कवर करो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट हियर ठीक है पहले पोस्ट मौर्य का पॉलिटिकल पार्ट पढ़ लो ठीक है तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो तीन तरीके से आते हैं पहले इनका पोलिटिकल भाई कौन राजा किसके साथ लड़ रहा है किसने किस साथ की, किसको क्या टाइटल मिला है, किसके सोसाइटी एंड पूरा का पूरा, पूरा, पूरा मॉरियन जो डायनेस्टी है इसका स्पेशली इकोनॉमी वाला पार्ट ठीक है यहां से अगर आप देखोगे तो आपको प्रीवियस में फाइव लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ही रिसेंटली तो जो पोस्ट मौर्या पढ़ो पहले आप इनका पूरा पॉलिटी खत्म करो ठीक है देन एक साथ सोसाइटी एक साथ इकोनोमी अगेन रिमेंबर यहां से हमें वन लाइनर भी आते हैं और यहां से हमें टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और थ्योरी भी आता है सभी क्वेश्चन हमें यहां से आते हैं तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज है तो यू हैव टू बी लिटिल विट स्मार्ट थोड़ा टाइम लगेगा इस सेक्शन में बट आराम से आप इनको टाइम देना ठीक है देन नाउ एस्ट्रोनॉमी ठीक, ठीक है गुप्ता में क्या लिटरेचर था एस्ट्रोनॉमिकल प्रोग्रेस क्या था मेडिसिन में प्रोग्रेस क्या था साइंस में क्या था वेटनरी साइंस में क्या था पूरा का पूरा ये सेक्शन पूरा लैंड ग्रांड्स का कॉन्सेप्ट है ना तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है टू टू थ्री क्वेश्चन गुप्ता से आता है रिमेंबर सोर्सेस करें तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन को बहुत अच्छी तरीके से करें कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल्स हो गए कौन से इंस्क्रिप्शन किस रूलर के साथ है, ये सब पे थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान देना है ठीक है देन नाउ अगेन का सेम इनकी बेसिक क्रोनोलॉजी हो गई रूलर के टाइटल्स हो गए कौन किस देवी देवता को पेट्रोनाइज कर रहे हैं किसको पूज रहे हैं ठीक है ये सारी चीजें ना पोज गुप्ता टेक्निकली हमारे अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज के साथ क्लब हो जाता है तो पोज गुप्ता में सेम सबसे पहले हम इनका पोलिटिकल पार्ट खत्म करेंगे तो पोज गुप्ता में जनरली यू विल सी Uh, सालंक्यास हो गया ठीक है वेस्टर्न गंगा हो गया ठीक है आपने uh, चालुक्यास बहुत अच्छी तरीके से कर लिया ठीक है सो रिमेम्बर जनरली हमने uh, सोमा कर लिया तो ये अर्ली हमनेवल के साथ हमारा क्लब हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है देन यू विल डू ऑफ तो ये सारे हमारे कदम्बा डायनेस्टीज ठीक है तो सबसे पहले जब हम कोस गुप्ता पीयर में पहुंचेंगे हर एक डायनेस्टीज पे ध्यान देना है आप इन डायनेस्टीज के आपको पहले तो पॉलिटिकल पार्ट ध्यान देना है ठीक है रूलर्स की क्रोनोलॉजी को अच्छे से करनी है ठीक है किसी भी रूलर का कोई टाइटल है उसको अच्छे से लर्न करना है इनके कोर्ट पॉइंट का आपको नाम याद रखना है अगर कोई क्वींस है तो आपको इनके क्वींस का नाम याद रखना है राजा ने कोई बुक लिखी है तो उस बुक का आपको नाम याद रखना है कोई पोर्ट एरियाज है प्लीज रिमेंबर द नेम कोई मैट्रीमोनी अलायंसेज है ये हमें अच्छे से करना है तो जब ये डायनेस्टीज करो तो ये सारे सेक्शन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है फॉर एग्जामिनेशन ये हमारा फर्स्ट मंथ में कि आपने एंशंट इंडिया धीरे धीरे शुरू किया आप

अब क्या होगा या तो आपका पूरा इंशेंट खत्म हो चुका होगा अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो ठीक है और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो क्या करोगे आप यहां से एंशंट जो भी बचा हुआ है एंशंट के लेफ्ट ओवर्स को कवर करोगे एंड जिनका एंशियंट खत्म हो गया होगा आप मिड की तरफ आगे बढ़ जाओगे ठीक है सो टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड रिसर्च हो गया जिनको क्लैरिटी uh, नहीं है वो ये पढ़ सकते हैं ठीक है एड कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करने होते हैं पेपर वन के और हिस्ट्री में भी आप ये ऐड कर सकते हो जैसे आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग हर दिन प्रैक्टिस किया क्योंकि आप इनको रट नहीं सकते हो तो आपने इनको प्रैक्टिस किया और इधर हिस्ट्री में आपने नोट्स बनाना शुरू कर लिया किस चीज के नोट्स जैसे लाइक आई से पोर्ट एरियाज हो गए रूलर्स के टाइटल्स हो गए इंपॉर्टेंट बुक्स की आपने लिस्ट बनाना शुरू की आपने प्री हिस्ट्री साइट्स की लिस्ट बनाना शुरू की तो एट दिस टाइम ऑल्सो हर वो चीज जिसमें हिस्ट्री में आप भूलते हो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर जिसमें डेली रिमेंबरेंस चाहिए डेली लर्न करना पड़ेगा उसको हम हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं ठीक है एंड जिनका एंशंट हो गया है आप अर्ली मिडीवल में पहुंच सकते हो अगेन अर्ली मिडीवल जब हम शुरू करेंगे अर्ली मिडीवल इकोनमी रिलीजन सोसाइटी लैंड ग्रांट का क्या कॉन्सेप्ट है ये इनके टर्म्स हो गए ये सारी चीजें हमें यहाँ से शुरू करनी है फिर जब हम मिडीवल इंडिया शुरू करते हैं आइडियली अगर आप सेकंड मंथ में कर रहे हो मिडीवल इंडिया में सबसे पहले आपको सोर्सेस खत्म करते हैं बहुत अच्छी तरीके से सोर्सेस ठीक है कौन से हिस्टोरियंस हैं किसने कौन सी सोर्स लिखी है ठीक है देन व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दोर्स ठीक है जनरली वो सोर्स किस बारे में कहती है ठीक है सो व्हाट इज दैट बेसिक ट इज दैट बेसिक इंसिडेंट या सोसाइटी के बारे में बात कर रही है इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है पॉलिटी पे ज्यादा फोकस कर रही है ये सारी चीजें आपको लर्न कर रही है यहीं से आपको कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे पेपर में मिलता है देन स्टार्ट विद डेली साल मुगल्स अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो पढ़ चुके हो तो डेनी सल्तनत मुगल्स अगेन डेनी सल्तनत एंड मुगल सेम सबसे पहले आप इनका पॉलिटिकल पार्ट खत्म करो ठीक है ऑल द वॉर्स एंड ऑल इनकी क्रोनोलॉजी हो गई कौन किसका कमांडर था ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं पॉलिटिकल के बाद आप इनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स वगैरह पे ध्यान देना है स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आता है मैच द फॉलोइंग भी आता है वन लाइनर भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगेन आप इनका आर्किटेक्चर पे आ जाओ आप इनका इकोनमी लैंड रेवेन्यू वाला सेक्शन आपने अच्छी तरीके से कर लिया ठीक है उसके बाद इनका कल्चरल एस्पेक्ट आपने ये पेंटिंग्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से किया क्योंकि पेंटिंग हर साल आ रहा है ठीक है उसके अलावा मेक श्योर जनरली शेर शाह आप देखोगे शेर शाह से हर साल आपको एक क्वेश्चन आ रहा है ठीक है एंड उसके बाद स्पेसिफिकली यू विल मूव फॉरवर्ड एंड आजकल आप देखोगे इनकी सोसाइटी शिप बिल्डिंग में क्या डेवलपमेंट हो रहा है एडुकेशन फ्रंट में क्या डेवलपमेंट हुआ इन सारे पे आपको क्वेश्चंस आते हैं तो जब आप ये दोनों करो तो इन सारे सेक्शंस को अच्छे से करना ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दो सेक्शंस जो वीक है पी क्यूज देखो और धीरे धीरे इन सेक्शंस को आपको कवर करनी

इन द थर्ड मंथ अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपने मान लो मीडिवल शुरू किया एंशियन शुरू किया ये आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हो थर्ड मंथ में आपने जनरली पेपर वन में अगर टीचिंग रिसर्च खत्म कर लिया तो आप कम्युनिकेशन आईसीटी एनवायरमेंट शुरू कर सकते हो अगेन वो चीजें जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्ट्री और पेपर वन के हिस्ट्री टेडबिट्स और पेपर वन के वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं एंड जो हम पहले दो महीने में कर चुके हैं उसका हम बेसिक रिवीजन जो है ये शुरू करेंगे ठीक है एंड यहां से इफ यू हैव स्टडीड बिफोर आप शुरू कर सकते हो मॉडर्न इंडिया सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो यहाँ पे पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है शुरू होगा ये मुगल डिक्लाइन से मुगल डिक्लाइन हुआ कैसे यूरोपियंस की एंट्री होती है पोर्टुगीज का बाय डच का बाय ठीक है फ्रेंच कब आए ठीक है अब इनके बेसिक फैक्ट्रीज ठीक है इनके फैक्ट्रीज कहाँ पे है जो इस जो कंपनीज थे इनके ये कब सेटल हुए है ना हु uh, the important पीपल तो सबसे पहले हमें ये लर्न करना है फिर हम लोग आएंगे कि भाई सब में से ब्रिटिशर्स बच गए तो ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड कैसे किया यहाँ पे आपके आ जाएंगे सारे वॉर्स तो यहाँ पे यू विल सी आपके आ जाएंगे कार्नेटिक वॉर्स है ना एंग्लो मराठा ठीक है

और आजकल कंसोलिडेशन से काफी क्वेश्चन आ रहा है पुलिस रिफॉर्म हो गए उसके बाद आपका आर्मी रिफॉर्म हो गया ठीक है आपका सिविल सर्विसेज हो गया ठीक है so, सो पुलिस आर्मी सिविल सर्विसेज उसके बाद पुलिस आर्मी सिविल सर्विसेज के बाद आपके बेसिक एक्ट्स आ गए है ना जुडिशियरी फौजदारी अदालत किसने शुरू किया सारा जुडिशियरी वाला आपका पार्ट आ गया ठीक है एंड इसी में यू कैन जस्ट डू ऑल दी कमीशन जैसे आपने फेमिन कमीशन कर लिया ठीक है उसके बाद आपने फेमीन कमीशन के साथ साथ uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अदर कमीशन ऑल्सो की जैसे मनी रिलेटेड कमीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कमीशन क्या थे है ना तो हमने बेसिक करेंसी रिफॉर्म्स कमीशन क्या थे सारे कमीशन भी कर लिया एंड आजकल ये पेपर में ट्रेंडिंग है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं देन मूव टू रिवोल्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कौन से मेजर कंटेंडर्स थे बेसिक कहानी क्या थे ये हमें अच्छी तरीके से करना है देन इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी अगेन वेरी कॉमनली तो यहाँ पे स्पेशली हमारा आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट ठीक है रैयतवारी महलवारी सेटलमेंट ठीक है उसके बाद यहीं पे जनरली कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस आ जाएगा यहीं पे आपको डीटलाइजेशन करनी डीजेशन डिबेट पे आजकल रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ठीक है अब अगेन इकोनॉमिक पॉलिसी में आप फिर से यहाँ पे फेमीस डाल सकते हो ठीक है इनके बेसिक ट्रेड हो गए ये सारा कुछ इधर आ जाएगा फिर प्रेजेंट ट्राइबल ये आपको थोड़ा फैक्चुअल है यू नीड टू नो कि कहाँ पे क्या रिवोल्ट हो रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हाट इज द कंक्लूजन हु वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ठीक है एडुकेशन पॉलिसी एंड प्रेस अगेन वेरी सिंपल यहाँ पे यह आपको कमीशन के नाम पता होने चाहिए एक तो ये टॉपिक पेपर वन के साथ भी ओवरलैप होता है कमीशन नेम उनके year, Then, किस commission का क्या बेसिक आइडियोलॉजी है ठीक है सो किस कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं और क्रोनोलॉजी तो भर भर के आता है फिर ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी क्या है आपको इयर्स आ जाएंगे कौन सी कॉलेज कब बनी उसके इयर्स आ जाएंगे ये सारी चीजें देन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ से भी रिमेंबर थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग आ रहा है और वन लाइनर भी आ रहा है तो रिलीजियस रिफॉर्म में भी आपको ध्यान देनी है जब भी कुछ पढ़ो तो रिमेंबर बेसिक हमारा एसोसिएशन कौन उसके हेड थे कौन लोग एसोसिएटेड थे विच इज द टाइम पीरियड ये जो एसोसिएशन है इसने क्या प्रीच किया ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एसोसिएशन ठीक है फिर आ जाओ नेशनल मूवमेंट में जब नेशनल मूवमेंट की हम बात करते हैं तो नेशनल मूवमेंट को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले आपको प्री आई एनसी एसोसिएशन का सेक्शन खत्म करना है ठीक है यहां से अगेन क्रोनोलॉजी यहां से आपको अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी कॉमन है फॉरी भी आता है ठीक है तो प्री आई एन सी एसोसिएशन सेटअप हुआ देन रिमेंबर एटीन एटी फाइव में कांग्रेस की स्थापना हुई ठीक है एवरीथिंग अबाउट कांग्रेस देन यू नीड टू नो द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ठीक है जैसे स्वदेशी नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियस क्विट इंडिया ठीक है फिर मेजर पर्सनालिटीज जो इन मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है आपको महात्मा गांधी जी के बारे में इनका सत्याग्रह इनका साउथ एक्सपीरियंस ठीक है देन वी हैव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगेन एंटायर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइफ देन उनकी बुक्स ये काफी कॉमनली आउस्ड है ठीक है देन उसके बाद स्वराज नो चेंजर्स ठीक है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है नेशनल मूवमेंट पढ़े तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन को कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बहुत

स्मार्टर ठीक है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में वी हैव टू आपने सबसे पहले लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन खत्म किया क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ठीक है फिर मेकिंग ऑफ आर संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सारे संविधान कमिटी इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है देन वी है प्लान हो गए हमारे ठीक है देन वी हैव फॉरिन पॉलिसी पनशील पॉलिसीज हो गए नैम क्या हो गया है ना ये सारी चीजें हम कवर करेंगे फिर उसके बाद हिस्टोरिग्राफी लास्ट सेक्शन हिस्टोरियोग्राफी में देखो सबसे बुक्स एंड ऑथर्स बोलते हैं हिस्टोरिग्राफी इज नॉट जस्ट बुक्स एंड ऑथर्स ये तो एक पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है देन यू हैव टू नो द ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ठीक है रीसेंट ट्रेंड्स क्या है सब ऑल्टन स्कूल क्या है नेशनल प्लस अगेन पोस्ट मॉडर्निज्म से आजकल भर भर के क्वेश्चन आ रहा है तो पोस्ट मॉडर्निज्म अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें देन ऑस्फर्ड्स पेंगलॉर्नर जोसेफ टॉइन भी सिलेबस में मेंशनड है पूरा हिस्ट्री का स्कोप क्या है यहां से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है सोर्सेस प्राइमरी सोर्सेस सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं ठीक है एंड देन उसके बाद वन राम के कैम्परे स्कूल हो गई ठीक है तो इस तरीके से ना वी हैव टू अलाइन हिस्टोरियोग्राफी इन सच वे कि बुक लिस्ट ही हिस्टोरियोग्राफी नहीं है बुक लिस्ट के साथ साथ बेसिक एस्पेक्ट्स को भी हम कवर कर रहे हैं ठीक है एंड मोस्ट ऑफ द चीज है जैसे हो ठीक है तो आइडियली फॉर दोस पीपल जो पहले नेट दे चुके आप एक एक मंथ में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न कर सकते हो जो नए हैं जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसको डिवाइड कर सकते हो मे बी डिपेंडिंग ऑन कितना आपको टाइम लगता है ये यहाँ पे आपको थोड़ा

सेप्टेंबर अक्टूबर एटलीस्ट बाय अक्टूबर एंड नवंबर आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट शुरू करना पड़ेगा टू सी जेनविनली सब करके क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं ठीक है तो जो आप पेपर वन का डेली प्रैक्टिस करते हो वो आप करोगे रिविजन करते रहेंगे हम और जो चीजें हम पढ़ चुके हैं हम उसका क्वेश्चन सॉल्विंग और रिविजन जो है ये शुरू करेंगे इन द फिफ्थ मंथ मतलब एग्जाम के जस्ट पहले वाला एक मंथ वहां पे स्पेसिफिकली अगेन जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके वर्क करेंगे पेपर वन के वो पार्ट्स अभी भी जैसे जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन मैथ्स मैथ और जो आपका वीक है आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया अगेन जो भी आपने नोट्स बनाए थे यूट्यूब के जो भी आपके क्लास नोट्स है जो भी वीडियोज है जो भी स्टडी मटेरियल है इनको करना है एलिमिनेशन मेथड को अच्छी तरीके से करना है यू हैव टू ट्राई एंड सी क्या गड़बड़ हो रहा है आपके प्रिपरेशन में ठीक है एंड लास्ट मंथ मतलब ये हो गया से दिसंबर वाला महीना हमारा तो कोई नई सोर्स नहीं पड़नी है जस्ट रिमेम्बर बी यू से चीजों को किया है सो बी स्ट्रेस फ्री एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग वॉक सॉल्व करेंगे कोई नया बुक नहीं कोई नया मटेरियल नहीं जो भी हमने इतनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें हमने पेपर वन पेपर टू को बेसिक तरीके से बस रिविजन किया है तो आपको बस ये करना है एंशंट एंड मिडीवल मॉडर्न उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एंड हिस्टोरियोग्राफी को अपने हिसाब से प्लेस करना है जो लोग पढ़ चुके हैं आप एक एक महीना दे सकते हो जैसे आपने पहले एग्जाम दे दिया अभी आपने जून एग्जाम दे दिया सो यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडी तो आप एक एक महीना दो क्योंकि आप पढ़ चुके आपके लिए काफी टाइम है तो ये उन लोगों के लिए मैंने एक एक महीना लिया है अब जो फ्रेशर है जो शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप फिर उस थर्टी डेज को थर्टी फाइव फोर्टी कर सकते हो डिपेंडिंग आपका कवरेज के हिसाब से ज अ जेनरल टाइम टेबल अब आप इसको अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपने अटेम्प्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो सो इन द लास्ट मंथ वी हैव टू प्रैक्टिस बेसिक मॉक टेस्ट अभी भी जो भी गलतियां हो रही है उसको रेक्टिफाई करना है और अगर आप ये टाइम टेबल करेंगे और इसको अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देंगे तो मुझे लगता है जब तक आप सिक्स मंथ में आएंगे यू विल एक्चुअली नॉट नीड एनीथिंग और बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएगी तो जब हिस्ट्री की तैयारी करें मेक श्योर थ्योरी के साथ साथ फैक्चुअल्स पे भी ध्यान दें एंड मेक श्योर की डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे भी हमें ध्यान देना है ठीक है यूजली हम ये भूल जाते हैं रिमेंबर पेपर बहुत ईजी आएगा पेपर बहुत हार्ड आएगा दोनों तरीके के पेपर आए हैं तो प्रेपरेशन ऐसी करनी कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए ईज़ी आएगा तो वैसे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है यू विल डेफिनेटली गेट अलाइन सो प्लीज मेक श्योर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एंड आफ्टर दिस मेक श्योर की आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को इन ड्यू कोर्स आइडेंटिफाई करें ऑल द वेरी बेस्ट